अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग हैं आर के गुड फॉर्म पर। माशाल्लाह काफ़ी कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियोस आ रही है आर के गुड फॉर्म की, और आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो। उस हिसाब से फटाफट से आप लोगों के लिए कलेक्शन आ रहा है। तो चलिए, राशिद भाई मौजूद है हमारे साथ, इंशाल्लाह आज कितने जानवर देखेंगे और क्या होंगे इनके प्राइसेस सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। माशाल्लाह काफी अच्छा लगा भाई, फटाफट से वीडियो आ रहा है आर के गुड फॉर्म का। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा आ रहा है आपके चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले का माल पूरा बिक गया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो तो उसी दिन बिक गया जिस दिन वीडियो डाले थे, उसी दिन बिक गया। लेकिन रिस्पांस आपने भी मेरे से बात किया बहुत अच्छा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट बोले थे अपने जी, बस उससे बहुत हजार दो हजार रुपए कम से माल बिका। उतना तो रखना ही पड़ता है ना, बोलना ही पड़ता है सही, रखना भी पड़ता है। तो राशिद भाई आज वीडियो में क्या क्या दिखाएंगे आप भाई? एक अपने घर का होम ब्रीड का पटेल का बच्चा है जी, जो मेरे हाथ में। अच्छा, जो है नवाब बोल के बकरा था बफ वाला, अच्छा बच्चा है। और एक चिकना बकरा है भाई, मतलब होम ब्रीड वाले जानवर देखने वाले आज हम। हाँ भाई, होम ब्रीड के दो है और एक जो है तो बाहर का है भाई। बाहर का है जी भाई, ठीक है। ये बच्चे के बारे में चर्चा हुई थी अपनी बहुत, माशाल्लाह भाई ये बताया था मैं आप। हाँ, नवाब की ब्रीड लाइन का है ना, पटेल भाई। अच्छा, ये पटेल की है? ये पटेल की लाइन का है भाई, माशाल्लाह चीज है भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का है। सिर्फ 3 महीने का है? 3 महीने में उसकी बफ क्वालिटी देख लो भाई। वाह, मैंने जितना बैंटम वालों से सुना हो भाई कि भाई जो बैंटम है एक अपना रंग 5 या 6 महीने लेता है बताने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पटेल का रिजल्ट अभी ऐसा आ रहा है मेरे पास जो के महीने से महीना डेढ़ महीने का बच्चा जो है भाई बफ निकाल दे रहा है। महीने डेढ़ महीने में जी भाई, माशाल्लाह क्या बात है। ये अभी सिर्फ भाई 3 महीने का हुआ है। और कितना डेढ़ एक इंच का आ गया उसको बफ? जी भाई माशाल्लाह बहुत बफ आ गया उसको। वाह, तो ये सिर्फ बफ में रहेगा या पूरे बॉडी? पूरे बाल में भाई, पूरे बाल में। ये देखो फर अभी पूरे मांडी पर आ गया इसको, ये पीठ पर बाल आ गए भाई। और भाई ये बच्चे का ऐसा मसला है, ये गारंटी वाला बच्चा है। गारंटी बोले तो कैसी देंगे? बच्चे की गारंटी ऐसी है भाई, इसके रेट के हिसाब से गारंटी है। अच्छा, ये अगर क्वालिटी नहीं करा, फर वगैरह नहीं करा तो ये रिटर्न है भाई। जो जितने प्राइस में बेचेंगे आप जी भाई, उतने प्राइस उसका मैं रखा हुआ अभी ये उम्र में, मतलब 8 महीने तक उसने अगर पूरे फर नहीं करा भाई, अच्छा तो बच्चा मुझे वापस भेजा देना, आपके पैसे वापस ले जाना। माशाल्लाह क्या बात है भाई, चलो अच्छी बात है भाई। मेरे सामने के है, एक बात बोलूंगा मैं, अभी प्राइस तो मैं सुनूंगा आपका। एक बात तो कह रहे हो आप कि भाई मतलब हौसला दे रहे हो आपकी, भाई महंगा बेचे बात भी निराश हो जाता है कस्टमर भाई। वो निराश नहीं होना कस्टमर, कस्टमर का शौक खत्म नहीं होना करके ये ऑफर है भाई। बहुत भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपनों को जो अपने घर की ब्रीड के ऊपर भरोसा है, अल्लाह ने अपना कॉन्फिडेंस दिया है भाई, तो ये वजह से अपन इतना बोल रहे हैं। सही है, तो ये केवल 3 महीने का बच्चा माशाल्लाह है, पुरने कानों में और बहुत अच्छे बालों में जी भाई, शानदार है भाई। इसके पूरे आंख पे बाल की भी गारंटी है। अच्छा, पूरे आंख पे भी आएंगे बाल, जैसे उसके बाप है भाई पटेल जी, जैसा फर में बेंडम आते हैं वैसी भी गारंटी है भाई। माशाल्लाह एक चीज तो नजर आ रही है भाई, कितना डिमांड कर रहे हो आप ये बोलिए पहले भाई। इसके मैं 25,000 कर रहा हूँ। 25,000 भाई, 3 महीने के बच्चे के, अगर मुझे इस ब्रीड के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं तो कहूंगा भाई बहुत ज्यादा है भाई। असल में जो है हर लाइन के, हर बकरों की, हर शौकीन का अलग अलग रहता है भाई। अभी अच्छा, ये जो बच्चा है भाई ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए जाएगा भाई बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए भाई। अच्छा 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 अच्छा, ब्रीडिंग के हिसाब से भाई। असल में जो है हर लाइन का जो समझो हैदराबादी वाला शौकीन है, तो उसको हैदराबादी का जो ब्रीडर रहेगा भाई, हाँ, उसका बच्चा भाई 5-5 लाख रुपए का भी बच्चा देते नहीं है भाई 3-3 महीने का। जी जी जी, जो अच्छी क्वालिटी का रहता है। अच्छा, उसी तरह भाई ये बेंटम है, अच्छा, बेंटम की जो ब्रीडिंग का बच्चा बकरा है भाई मेरे पास, हाँ, उसकी नस्ल है गारंटी वाला है, ये वजह से मतलब ये जो आपकी जो लाइन चलती है बेंटम वालों की, बेंटम वालों की भाई, तो उनको पता है कि ये उतने का है बच्चा जी भाई। 25 जो रकम दी आपने कम करेंगे आप इसमें? स्लाइटली निगोशियबल होगा भाई, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं भाई इसको और 3 महीने रुकाऊंगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह भाई मेरा 35,000 रुपए का बच्चा बिकेगा भाई। कुछ और है आपके पास जानवर की भाई आप बता सकिए कि भाई ये 25 का दे रहा हूँ मैं? और एक जो है भाई जी नवाब का बेटा है, तो वो भी बफ वाला है भाई। अच्छा, बाकी उसके रेट के हिसाब से गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। अच्छा, मतलब ये पूरा पेपर्स के साथ आ रहा है? ये पूरे पेपर के साथ दे रहा है। क्या बात है यार भाई। नहीं भाई, सामने वाले का फोन पैसा ले रहे तो उसको गारंटी भी मिलनी चाहिए। सही है, सही है, सही। अरे आपने जैसा एक जिक्र किया भाई, हर एक लाइन के बंदे होते हैं, जैसे उनको ब्रीड के बारे में मालूम, ब्रीड के बारे में मालूम रहा भाई। देखो जिसको लेना नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि महंगा है, जिसकी ये चीज, जिसको ये चीज की भाई नॉलेज नहीं रहती, तो वो तो ये बोलेंगे भाई महंगा है, इतना कहीं आता क्या, लोगों को फंसा रहे, तो भाई ये क्वालिटी के बच्चे हमको ये रेट में हमको ला कर दे दो। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, रखेंगे भाई, ये बड़ा कमिटमेंट दे रहे हो तुम भाई। इंशाल्लाह लेता भी हो भाई ना।
अच्छा बेंटम भाई, एक बेंटम के वास्ते मैंने 4.5 लाख रुपए का सट्टा दिया था इसके बाप के वास्ते। क्या बात है यार, ये कमिटमेंट ना मेरे को बहुत पसंद आती है। जब आप इतना स्ट्रॉन्ग अमाउंट मांग रहे हो ना, तो कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग देना चाहिए इंसान। अपन भाई शौकीन का शौक खत्म नहीं करना चाह रहे। बहुत बहुत अच्छी, पूरे पॉइंट से माशाल्लाह। हाइट शॉट भाई, नाम रखना छोड़ो, कहीं नहीं है भाई बच्चा। हाइट शॉट फुल गुलाबी, मार्बल सिंह मार्बल खुर। वो बारिश की वजह से गंदा हुआ है भाई, बाकी पूरा गुलाबी है। चलता है भाई, उसका क्वालिटी में बिकेगा इंशाल्लाह। तो इसका कानों में भी अच्छा है भाई, बफालो में बहुत कम ऐसे कान आते, बाकी ऐसे खुले कान के बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कान वाना एकदम खड़े कान है माशाल्लाह। इसके बाद दूसरा बच्चा एक और है आपके जी भाई, और इसका बफ की खास बात है भाई, अभी से ये उम्र में उन्होंने उसके नाक के ऊपर से पूरे बाल बनाना चालू कर दिया। सही है, बहुत माशाल्लाह चीज है। और दाढ़ी भी देखो भाई उसको, अभी से कितनी आ गई जी जी, 3 महीने की उम्र में भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो तो समझने वालों के लिए बाकी बात जी भाई, है। जो जिसको बेंडम का नॉलेज है भाई, वो इंशाल्लाह उसको चीज समझ में, तो मेरे को 25,000 रुपए कम नहीं करने लगाएगा भाई। नवाब का बेटा है ना ये? पटेल का। अच्छा पटेल का, ओके 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 ठीक है। इसके बाद दूसरा बताएंगे हम, नवाब का बेटा बताएंगे, नवाब का बताएंगे ठीक। राशिद भाई दूसरा बच्चा निकाले हो, ये नवाब के ब्लड लाइन से आ रहा है। ये नवाब की ब्लड लाइन से है ठीक है। नवाब भी हमने दिखाया है, शायद से मैंने पटेल नहीं दिखाया अपने चैनल पर अभी तक। नहीं भाई, पटेल के साथ अपन ने नवाब भी अपने सेटअप पर दिखाया। अच्छा दोनों भी दिखाए थे अपने भाई। ठीक है ठीक है। ये भी भाई बफ वाला बच्चा है, बफ बना रहा है बच्चा, 5-1 महीने का बच्चा है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी ये बच्चे की भाई बफ की, ये कितने महीने का बोले आप? 5 महीने का है भाई। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है भाई। तो रेट में भी फर्क है ना भाई। कितना फर्क है, रेट बोलो पहले। इसका भाई 10,500 रुपए डिमांड कर रहे भाई। क्या बात है यार भाई, मैं अब आपके बारे में बोलूंगा कि भाई सही चीज का सही मोल हिसाब उसका तो ठीक है, मैं उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ बेंटम का जी भाई, लेकिन अभी चीज के हिसाब से आप इसका रेट दे रहे हो। इसका भी बफ आएगा भाई, पेंसिल कान में है बच्चा, 5-6 महीने का है, हेल्दी बच्चा है, ये वजह से भी भाई इसका 10-500 है। अच्छा, अच्छा। उसका मैं और कम रेट रखता था भाई। अच्छा अच्छा, बाकी इसके कान क्वालिटी और हेल्दी की वजह से इसका 10,500 रुपए रेट रखा। तो ये भी बफ करेगा नहीं करेगा? करेगा भाई, ये भी और बाल नहीं करेगा मुझे बाल की, और बफ की अपन गारंटी नहीं ले रहे भाई रेट के हिसाब से। अच्छा, बाकी अगर चिकना भी रहा भाई तो ब्रीडिंग पर्पज के लिए उसके कान के हिसाब से भाई ब्रीडिंग के लिए चल जाएगा भाई। चल जाएगा ना, क्योंकि कान बहुत प्यारे हैं, अच्छे भाई। सही, तो 5-1 महीने का बच्चा है ये? 5-1 महीने का है। कान क्वालिटी सुपर एकदम, और हाइट भी शॉर्ट है माशाल्लाह। हाइट भी शॉर्ट है भाई। इसमें कम करेंगे आप? 10.5 बोले ना, नेगोशिएबल हो जाएगा भाई। ट्रांसपोर्ट, विदाउट ट्रांसपोर्ट? विदाउट ट्रांसपोर्ट भाई, विदाउट ट्रांसपोर्ट जी भाई। माशाल्लाह। और राशिद भाई जो रेट्स देते हो आप, जैसे जो हायर रेट्स होते हैं, हाँ, क्या सच में ये बिकता है भाई? मैं आपसे दो दो बार भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पटेल के जो बच्चे हैं, जो इससे पहले मैं आपको बताया बच्चा जी, वैसे बच्चे भाई पहला नहीं दे रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, इसके पहले भी मैं शायद आपके इस पे बताया था क्या, नहीं बताया था, 3-1 महीने पहले। हाँ, वो बच्चा भी भाई मैं 24,000 रुपए का दिया था भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी जो इससे पहले बच्चा बताए वो बच्चा ऐसे कान में भी नहीं था भाई। अच्छा, खुले कान का था वो, 24,000 रुपए बालों पे, मतलब उनके खूबसूरती पर, खूबसूरती के ऊपर। और बाकी भाई बाद में मैं वो बच्चा महीना भर के बाद उसे 30,000 का मांग रहा तो नहीं दिया भाई। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और हमने मांगा भाई, ये देखा है भाई, मतलब ये साल हमने ये देखने में मिला बकरीद के सीजन में खासतौर से बेंटम बहुत बिका। बेंटम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिका, मतलब इतना आज तक कभी मैंने देखा नहीं बेंटम बिकता हुआ। नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद के सीजन में अपने हाथ पर भाई 50 से 55 बेंटम बेचे अपने, छोटे बड़े मिलाकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये काफी अच्छी बात है बेंटम पालने वालों के लिए जी भाई, कि काफी शौक हो रहा है इसका। बेंटम भाई कोई भी ले लेता है, और छोटी भी जगह लगती है, छोटा भी खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, इजीली पल जाता है जी भाई। चलो इसके बाद एक लास्ट वाला बच्चा दिखा रहे हैं ना, लास्ट वाला है भाई, वो बाहर का बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर से परचेस किया। ये पूरा व्हाइट है ना, उधर से बताओ इसका मेरे को। पूरा व्हाइट है भाई। ठीक, इसकी हेल्थ वेल्थ अच्छी है? हेल्थ अच्छी है भाई। ठीक, लास्ट वाला दिखाते थे। ठीक है भाई, राशिद भाई फटाफट दिखाते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है। ये भी बेंटम है? बेंटम है भाई। ठीक, ये कितने महीने का है? ये भाई दो दांत फ्रेश कर रहा है। दो दांत फ्रेश कर रहा है जी भाई। इसकी नॉमिनल थोड़ी हाइट ज्यादा है? हाइट ज्यादा है भाई, है ना। लेकिन ओरिजिनल बेंटम है ये? बेंटम ओरिजिनल है भाई। अच्छा, बाकी थोड़ी हाइट कर लिया है। अच्छा अच्छा, तो प्राइस कम ही रहेगा इंशाल्लाह। प्राइस भाई इसका 12,000 रुपए। 12,000 रुपए नेगोशिएबल प्राइस है? नेगोशिएबल हो गया, विदाउट ट्रांसपोर्ट वाला? विदाउट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाकी भाई ये कानों में उसमें बहुत अच्छा है, फुल व्हाइट है, और बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, हेल्दी बच्चा है भाई। और प्राइस को मानेंगे तो फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। 12,000 रुपए का भाई बेंटम बड़ा, वो भी दो दांत का मिल रहा है भाई। बिल्कुल, एक रखा है आपने भाई सबका मान सम्मान, लेकिन एक फिर भी मेरा जैसा वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता उतना क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि मेरा काम है जब आपको प्रमोट कर रहा हूं तो क्वेश्चंस भी करना जी। बिल्कुल भाई, 25,000 में बच्चा लेगा इंसान जो फर्स्ट वाला जी, तो भाई उस पर मेहनत करेगा 6 साल भर या फिर 6 महीने, उसको खिलाएगा पिलाएगा खर्चा करेगा, तो क्या वो चीज उतने की बनेगी, यानी 40-50-60 की चीज भाई? इंशाल्लाह अगर बच्चे ने पूरे बाल कर दिया है भाई,
आप तो गारंटी दे रहे बाल करने की। मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, बाकी तो नहीं कर रहा तो भाई वो तो वापस लूंगा। अगर बाल कर लिया है सामने वाले का, अगर नहीं बिक रहा है भाई तो मेरे को भाई 35,000 रुपए का पूरा जैसा बच्चा मैंने बोला वैसा वापस। लेकिन एक चीज मैं आपकी तरफ से भी ऐड कर दूं, क्योंकि मैं दोनों तरफ से न्यूट्रल रहना चाहता हूं भाई। उसको चाहिए कि भाई उसको खिलाई पिलाई भी सही करे, देखभाल सही करे भाई। उसका सबसे बड़ा मसला यही है, उसका मेंटेन रखना पड़ता है, बफ और बाल वाले बकरों मेंटेन रखना पड़ता है। तो क्या ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई वो चीज बनेंगी उतनी की भाई 40 या 50 जो भी एक्स वाई जेड? भाई असल में जो है पटेल के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। पटेल के बच्चे भाई असल में जो है, तो जब सबसे पहले सामने वाले के पास जो बच्चा था भाई जी, पटेल था, तो उसका बच्चा उनके पास एक आया है भाई जी। हकाल दो उसका, हकाल लो बेटे उसको उधर। अरे जी भाई कंटिन्यू करिए। तो भाई वो बच्चे का भाई आज वो डिमांड कर रहे हैं, तकरीबन वो 8 से 9 महीने का बच्चा है, 55,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं भाई। डिमांड एक चीज है, बिकना उसको भाई 45,000 रुपए का मैं खुद मांगू, क्या बात वो बच्चा है। तो ये सच में रियलिटी है इस भाई। आपने तो तकरीबन लोगों के पास बाल वाले बफ वाले बकरों की वीडियो बनाई है, बनाया हो मैंने, तो वो कितने कितने के बिकते है उसको तो आपको पता ही है ना भाई अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है भाई, लेकिन टाइम पास करने वालों के वास्ते 12,000 का बकरा भी महंगा है भाई। ये चीज है नहीं, इसको नेगेटिव कमेंट करना है ना भाई, वो इसके ऊपर भी कमेंट कर सकता है 12,000 रुपए में इतना महंगा नहीं। कमेंट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैं एक बात बता रहा हूँ भाई आपको। हाँ। शौकीन के बारे में देखो भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं है बकरा। अच्छा अच्छा, ब्रीडिंग पर्पस के लिए वो दो बकरे, ये बकरा जो है कुर्बानी के लिए भाई, जिसको शौक से एक बकरा पालना है वो पाल सकते है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भेंडम नस्ल बढ़ाना चाह रही है, उससे पहले भी भेंडम से लगी थी भाई। अच्छा फ्रीका है इधर जी भाई। तो ये सारी चीज है, मैं ये सिर्फ इतने क्वेश्चंस आपको नए शौकीनों के लिए पूछा हूँ भाई। नवे शौकीनों का अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई, अल्लाह बड़ी बात से माफ करे। अभी भाई तकरीबन 5 सेटअप ऐसे है भाई जी, जो सिर्फ शौक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने से ही भाई। अच्छा, अच्छा माल अच्छा। ले रहे भी अपने से ही और बेच रहे भी अपनों को है भाई, उनको इतना भरोसा है या माइनस में है? अल्हम्दुलिल्लाह सब प्लस में भाई, करके अल्लाह। मैं एक बात बोलूंगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं आप उनको लिंक शेयर करना, और मैं बोलूंगा उनको कमेंट करो इसमें आप जी। बिल्कुल भाई इंशाल्लाह उनको खुसूसन सेंड करूंगा मैं, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो वीडियो देख के भाई अपना सच्ची सच्ची वाला रिव्यू दो राशिद भाई के साथ काम करके कैसा लगा। नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह देंगे बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो राशिद भाई बहुत अच्छी बातें रही और बहुत अच्छे जानवर दिखाए, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कैसा इंशाल्लाह आपका सब काम चलता है। वैसे लोग तो काफी पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो इंशाल्लाह देखते हैं अगली बार कुछ आता है तो दिखाते हैं। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम।